जय हिंद किसान भाइयों, जय हिंद नर्सरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सेब की जो पौधे हैं, गर्म जलवायु में जो हो सकते हैं, लो चिलिंग जो टेम्परेचर सहन कर सकते हैं, उन वैरायटियों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। तो इसमें जो सबसे पुरानी वैरायटियों की अगर बात करें तो अन्ना और डोरसेट गोल्डन है, और अगर हम नई की बात करें और जो इंडियन की बात करें तो वो HRMN 99 यानी कि हरमन 99 बिलासपुर के हरिमन शर्मा जी के सिलेक्शन वैरायटी है। उन्होंने 1999 में इसका एक पौधा लगाया था और 2001 के लगभग उसमें फूल आए और उसमें कुछ समय बाद फल बने। फिर उन्होंने ग्राफ्टिंग स्टार्ट की और 2006 में लोगों को ये पौधे वितरण करना शुरू किया। तो जो किसान भाई इन वैरायटियों को लगा रहे हैं, ये इनको टेम्परेचर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इनको 47 तक 48 तक और -1 तक 2 तक वो लगा सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। इसकी खासियत क्या है कि इसमें जो फल है वो ऑफ सीजन में आते हैं। जैसे हम अगर अन्य वैरायटी की बात करें तो वो वैरायटियां सर्दी में फल देती हैं, और ये अन्ना, डोरसेट गोल्डन और हरमन 99 ये वैरायटियां गर्मी में फल देती है। इनका फरवरी में इनका फ्रूट सेट होना स्टार्ट होता है, फूल से फल बनना स्टार्ट हो जाता है और जुलाई में इसका आज 22 नवंबर है और इसमें अभी ये जो पत्ते हैं ये झड़ने लग गए हैं क्योंकि अभी शीत मुद्रा में जाएगा। ये देखिए ये पत्ते झड़ रहे हैं, अभी पीले होके ये एक महीने के अंदर अंदर ये सभी पत्ते झड़ जाएंगे। दिसंबर और जनवरी में जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे इसके पत्ते झड़ जाएंगे, ये अपने शीत मुद्रा में चला जाएगा, खुराक अपनी एकत्रित करेगा और फिर इसमें नोड बनेंगे। जैसे आप देख पा रहे हो ये नोड है इसके, ये इन पे ही फ्लावरिंग होगी और इन पे ही फ्रूट सेट होगा। इनका मेन क्या है कि हम इसकी कटिंग भी करेंगे जनवरी में, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये हरमन 99 का ये मैंने 2018 में दिसंबर 2018 में लगाया था। अब मेरे को नेक्स्ट मंथ यानी कि दिसंबर 2020 में इसको 2 साल हो जाएंगे और अब की बार जो इसमें फरवरी में फ्लावरिंग आएगी 2021 में तो वो बहुत अच्छी आएगी। करीब 27 महीने बाद जो इसमें फ्लावरिंग आएगी वो बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए पौधे की हाइट अगर हम हाथ से ऊपर देखें तो करीब 8 फीट है पौधे की हाइट। ये देखिए कि ये पौधा है। अगर किसान भाइयों आपने हमारा वीडियो जय हिंद नर्सरी का यूट्यूब चैनल पर अगर आपने देखा होगा तो उसमें जो 44 नंबर वीडियो है, जो फरवरी के 44 नंबर वीडियो है वो आप देखोगे, उसमें ये फ्लावरिंग आई हुई है। आगे दिखाता हूँ मैं आपको, ये भी हरमन 99 का ही पौधा है और ये सभी एक साथ लगे थे। ये देखिए ये भी ये लिख रहा है हरमन 99 वैरायटी सेव और ये भी काफ़ी घना हो चुका है। ये देखिए यहाँ से ये ग्राफ्टेड पौधा है जो इसका रूट स्टॉक है। रूट स्टॉक उसे बोलते हैं जो नीचे का जो बीजू पौधा है उसके ऊपर जो हमने ग्राफ्ट कर रखा है वो हरमन है, नीचे का उसका वहाँ का एक वैरायटी है गोल्डन, उस पर ग्राफ्ट होता है क्योंकि गोल्डन यहाँ के मौसम को सहन कर सकता है। ये पौधा है अगर आप देख पा रहे हो, इस पौधे पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग आई थी, फ्रूट भी बने थे लेकिन मौसम की खराबी की वजह से वो अधिकतर ड्रॉप हो गई। अब हम आगे चलते हैं, किसान भाइयों ये वैरायटी अन्ना है जो दिसंबर 2019 को हमने लगाई थी, जो कि आप 33 नंबर वीडियो जय हिंद नर्सरी का वो देख सकते हैं, उसमें हमने ये कैसे लगाया जाता है सेव का पौधा वो पूरी विधि बताई है और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि कितने अच्छे पौधे हैं। आप एक बार हमारा बाग का व्यू देखेंगे तो उस समय सभी पौधे छोटे थे, ये सभी पौधे उस समय छोटे थे और आज इनकी देखिए काफ़ी खूबसूरती है। दूसरा ये पौधा भी अन्ना का है और अब ये भी अन्ना का है। ये आप जो पत्तियां देख रहे हैं जो सूखी सूखी सी हो रही है, एक्चुअली ये कोई रोग नहीं है, अब ये पत्तियां ड्रॉप होगी धीरे धीरे करके, ये यहाँ से ये हट जाएगी और इसमें ये नोड बनेंगे ये रहे। और इसकी हम वही हम कटिंग करेंगे। ये देखिए ये इस पर ये बोर्ड लगा हुआ है, ये दिसंबर 2019 की प्लांटेशन है। ये भी अन्ना है, ये भी अन्ना है, ये हाइट देखिए
ये इतना बड़ा पौधा हो चुका है 6 फीट के लगभग। ये हमारा डोरसेट गोल्डन है, ये भी 2019 का जो दिसंबर है वहाँ इसकी उसी महीने में इसकी प्लांटेशन की गई थी, और इसका जो वीडियो है 33 नंबर वो आप देख पाएंगे कि हमने जो प्लांटिंग की थी। बाद में पौधे धीरे धीरे करके काफ़ी अच्छे डेवलप हो गए हैं। ये भी डोरसेट गोल्डन है। किसान भाइयों, आप इन तीनों ही वैरायटी को अपने फार्म पे, अपने घर पे और गार्डनिंग के रूप में या अपने बागवानी के रूप में पूरे देश में कहीं भी लगा सकते हैं। 2016 में भी काफ़ी करीब 15 राज्यों में इनके पौधे लगे थे इन वैरायटियों के। और किसान भाइयों, यूपी में मेरठ के पास मोदीपुरम नाम का एक स्थान है, और वहाँ पर जो गवर्नमेंट की कृषि विभाग का एक केंद्र है, वहाँ पर 2014 में इंडो इज़राइल प्रोजेक्ट के तहत वो पौधे इज़राइल से लाकर और फिर उन्होंने लगाए थे, और आज बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है और साइज वगैरह बहुत अच्छा बन रहा है। तो किसान भाइयों, आप अपने कुछ ट्रायल के रूप में या जिस किसान भाई ने ट्रायल ले लिया है वो अपना आगे फार्मिंग के रूप में इसको अपना सकते हैं, अवश्य आपको फ़ायदा होगा। इसका फ़ायदा मेन कारण क्या है कि इसका ऑफ सीजन फ्रूट आता है जब हिमाचल और कश्मीर का नहीं आता। तो आपने वीडियो देखा, धन्यवाद, जय हिंद।